अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरा नाम उमर है और मैं 4-5 सालों से 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड एंड फाइनल ईयर के ट्यूशंस कराता हूँ। उसके साथ साथ कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कराता हूँ। बहुत सारों को आज तक पढ़ाया है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से स्टार्ट करें कि FAA वालों को लेक्चर दिया जाए और जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है उनको लेक्चर दिया जाए, उनको थोड़ी सी हेल्प करेंगे यहाँ से। उसके लिए मैंने ये वाला वीडियो स्टार्ट किया है, ये वाली सीरीज़ जिसमें हम FAA के लिए सारा सिलेबस, इवन स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और ये इंटर रिलेटेड है विद 11th, इसलिए 11th वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, सारा सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर होंगे, किसी को कोई इशू नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दैट्स फर्स्ट टॉपिक, दैट्स सेट थ्योरी। सेट थ्योरी 11th का पहला टॉपिक है और FAA का ये तीसरा टॉपिक है। उसी सेट थ्योरी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। इसलिए आप ध्यान से देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं सेट को डिफाइन करूँगा, क्योंकि सेट थ्योरी है इसलिए मैं सेट को पहले डिफाइन करूँगा। सेट थ्योरी का सबसे पहला वाला टॉपिक यही है, दैट इज डिफाइन अ सेट। दैट्स डिफाइन अ सेट, डिफाइन अ सेट। सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, ये सबसे पहला वाला टॉपिक है, क्योंकि सेट थ्योरी है, सेट नाम है, पहले सेट को डिफाइन करेंगे। अगर किसी भी बुक को देखेंगे, कोई भी ऑथर चेक करेंगे, किसी भी को देखेंगे, वो बोलेगा इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स या एलिमेंट्स, कुछ भी, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये हो गया डेफिनेशन, खाली इतनी है, लेकिन इसमें जो वर्ड आता है ना, दैट इज दिस वन इज द पर्टिकुलर वर्ड, वेल डिफाइंड। व्हाट मीन्स वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैं आपको बोलूंगा, अब ध्यान से देखना है इसको। वेल डिफाइंड का पहले अगर मतलब समझ आ गया ना आपको, सेट का बेसिक्स हो गया। वेल डिफाइंड का मतलब ये है, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये वाला, ये वाली कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे, मतलब इस सीरीज को आप देखेंगे। मैंने लिया 1 2 3 4 A 5, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? इज दिस अ वेल डिफाइंड कलेक्शन? क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? क्या इस कलेक्शन को मैं बोलूंगा हमने एलिमेंट्स को कलेक्ट किया और हमने उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन में लिख दिया? अब देखिए वेल डिफाइंड क्या होता है, इस एग्जांपल से आपको 100% समझ आएगा। 1, ये आपको भी पता है, 1 नंबर है कोई, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, लेकिन वहां से क्या बच गया, ए, इज इट अ नंबर? नो, इट इज नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है। देन व्हाट इज इट? इट्स अल्फाबेट, अल्फाबेट। अगर ये अल्फाबेट है ना, ये सारे क्या थे, नंबर्स थे, इनके बीच में कौन आ गया, अल्फाबेट आ गया। अगर कोई बोलेगा आपको क्या अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, नो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज इस कलेक्शन में हमारी प्रॉब्लम आ गई। सर आपने लिया था, सारा कुछ लिया था, आपने नंबर्स लिए थे, लेकिन ये जो ए आपने बीच में लाया ना, इट्स नॉट अ नंबर। अगर ये नंबर नहीं है, देन दिस कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं,
दैट्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, हाँ, गोदावरी एंड हिमालय। अब देखो, इज इट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन? पहले देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन के लिए दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। सर पहले आपने लिखा गंगा, दिस इंडियाज लार्जेस्ट रिवर। ब्रह्मपुत्र, व्हाट इज इट? इट्स आल्सो द रिवर ऑफ इंडिया, ठीक, इंडिया में से पास आउट होता है। गोदावरी, व्हाट इज इट? इट्स आल्सो द पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, ये भी रिवर है। लेकिन व्हाट आर हिमालयस? हिमालयस आर नॉट रिवर्स, दे आर माउंटेन्स। मींस यस, दिस कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर इस हिमालय के बदले कोई और रिवर होता ना, कावेरी होता, कृष्णा होता, कुछ और होता, इतने रिवर से आपको पता है, अगर ये भी रिवर होता ना, देन दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज दिस हिमालय डज नॉट बिलोंग्स द रिवर्स ऑफ इंडिया, इट बिलोंग्स टू द माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया का माउंटेन है, ये इंडिया का रिवर नहीं है। That's why this collection is not well defined. A ने यहां पे प्रॉब्लम की थी, हिमालयाज ने यहां पे प्रॉब्लम कर दी। That's why these collections are not well defined. अब आपको समझ आ रहा है कुछ? What are well defined collections? Yes, exactly. Well defined collections का मतलब है जो इसमें आप समझेंगे ना, वही मुझे भी समझ आना चाहिए। जो आप किसी कलेक्शन में आपको दिमाग में आएगा ना, वही मुझे भी दिमाग में आना चाहिए। अगर वही मुझे भी दिमाग में आ गया ना, then that collection is well defined collection. अगर किसी में प्रॉब्लम आ गई, अब देखो देखो यहां पे एक और एग्जांपल मैं दूंगा, एक और एग्जांपल वेल डिफाइंड कलेक्शन की, एक और एग्जांपल। अब देखिए एक और एग्जांपल वेल डिफाइंड कलेक्शन की। हाँ देखो, चल मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं। दैट्स मैन, बॉय, वुमेन, गर्ल, डॉग, इज इट वेल डिफाइंड कलेक्शन? नो। मैन ह्यूमन, बॉय ह्यूमन, यहां देखो डॉग, is it a human? No. That's why this collection is not a well-defined collection. ये well-defined collection नहीं है। Well-defined collection अगर ये नहीं है ना, means this is not a set. ये set नहीं है। अब अगर मैं इस पे आऊंगा, इस collection को देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको मैं box में ले रहा हूं, open braces, इसको देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस आपको दिमाग में क्या आ रहा है? सर 1 इट्स अ नेचुरल नंबर, 2 इट्स अ नेचुरल नंबर, 3 इट्स अ नेचुरल नंबर, 4 इट्स अ नेचुरल नंबर, 5 इट्स नेचुरल, 6 इट्स नेचुरल, ऑल द नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। अगर सारे नंबर्स नेचुरल है, सारे एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं, व्हाट इज इट? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। It is well-defined collection, and this well-defined collection of elements, objects is called a set. इसी को हम set बोलते हैं। यही हमारा set है। Means yes, it is the set. ये कोई बोलेगा आपको A, comma B, comma C, comma D, comma E. Is it well-defined collection? Yes, it is. देखो कैसे A. Alphabet, B, alphabet, C, alphabet, D, alphabet, E, alphabet, all are the alphabets, सारे alphabets है। अगर सारे alphabets है, means this is well-defined collection, well-defined collection. If it is well-defined collection, then this sequence is also a set, ये भी set बनेगा।
मीन्स ये भी सेट है क्योंकि ये सारे अल्फाबेट्स है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सारों का एक ही नेचर है, यहां पे भी सबका एक ही नेचर था, जिस अरेंजमेंट में सब एलिमेंट्स या सब ऑब्जेक्ट्स का एक ही नेचर होगा ना, देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सेट, उसी अरेंजमेंट को हम सेट बोलते हैं। दिस इज द सेट, यही होता है सेट, मीन्स ये है आपका सेट, ये आपका सेट। अभी आपने देखा इसमें देखो सारे ह्यूमंस थे बट ये वाला आपका ह्यूमन नहीं था, दैट्स व्हाई ये जो कलेक्शन आपकी हो गई ना, दिस कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इफ इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन देन दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। अब आपको समझ आ गया सेट हम किसको बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ठीक होनी चाहिए। अगर कलेक्शन एक ही हिसाब से होगी, मतलब वन यहां पे था, क्या था, नेचुरल, बाकी जो भी होगा ना वो सारे नेचुरल होने चाहिए, ठीक। यहां देखो ए क्या था, अल्फाबेट, बाकी सारे भी क्या होने चाहिए, अल्फाबेट, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सेट, हम इसी को बोलते हैं। कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को डिफाइन किया होना चाहिए, एक ही सीक्वेंस में डिफाइन होने चाहिए, इसमें हैफजर्ड मैनर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया, बीच में कहीं पे मैंने कोई अल्फाबेट लिया सी, देन दिस कलेक्शन इज अगेन नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसको हम फिर सेट नहीं बोलते हैं। अब देखो आपको आ गया समझ सेट हम किसको बोलते हैं, अगर सेट समझ आ गया, अब आगे जा रहा हूं मैं, देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसके बाद क्या होती है, इसके बाद डिनोटेशन होती है, मतलब सेट को डिनोट कैसे करते हैं। डिनोटेशन मतलब हम शॉर्ट में कैसे चेक करें, शॉर्ट में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट हम कैसे दूर से देखेंगे, यस दिस इज द सेट, यहां देखो द सेट इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रेसेस, इस टाइप की ब्रेसेस होते हैं और इस ब्रेसेस के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ब्रेसेस इसी टाइप के होते हैं, ठीक। मुझे पूरा बनाना नहीं आता है, ना मुझे बोर्ड पे बनाना आता है, ना रफ पे, ऐसे ही मैं बनाता हूं, यही है, ठीक। अब देखो इन ब्रेसेस में एलिमेंट्स होते हैं, इन विच एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास से हम इसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, फिर उनको कॉमास से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल लाइक दिस, 1, 2, 3, 4। अब देखो यह ना वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, सारे है ना नेचुरल नंबर्स, ऐसे स्टार्टिंग में कॉमा नहीं लिखना है, एंड में भी कॉमा नहीं लिखना है, बाकी जो भी एलिमेंट्स है ना बीच में उनमें कॉमा रखना ही रखना है। अगर आपने बीच में कॉमा नहीं रखा देन दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ सेट, ए कभी सेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई डिनोटेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, सेट को हम शॉर्ट में इस तरह रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं इन ब्रेसेस में, बस यही है, इसकी और कोई डेफिनेशन है ही नहीं, ना इसके बदले इसकी कोई और डिनोटेशन है, कोई भी नहीं। दैट इज सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन क्लोज्ड ब्रेसेस, इन ब्रेसेस इनको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय नेक्स्ट एलिमेंट बाय कॉमा, कॉमा से हम इनको सेपरेट करते हैं।
एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं भाई कॉमास। वन लिखा कॉमा, टू कॉमा, थ्री कॉमा, लास्ट में ना पहले कॉमा लिखना है ना लास्ट में कॉमा लिखना है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंट हम इसी तरह सेट को करते हैं शॉर्ट में। अपने एलिमेंट्स इस तरह देखे, देखो आप टू फोर सिक्स सेट है एग्जैक्टली, कुछ नहीं देखना है। हाँ इट इज सेट ए बी सी, कुछ नहीं देखना है। यस कर्ली ब्रेसेस में है, इट इज सेट। कभी आप इस तरह भी देखोगे। अब देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना है। वन टू थ्री ए सेवन, इज इट ए सेट? यस सर इट इज अ सेट, बिकॉज ये किस में है? कर्ली ब्रेसेस में है ना। अब ये ए है ना, ये भी कोई नंबर ही होगा। यहां पे याद रखो ये ब्रेसेस के अंदर है ना। हाँ यहाँ पे वन है टू है, आपको लग रहा है दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल, बट इट इज अल्फाबेट। सर ये कहाँ होगी वेल डिफाइंड कलेक्शन? नो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपने पहले ही रिप्रेजेंटेशन ले ली ना कर्ली ब्रेसेस, अब जो भी इसमें होगा ना दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। यस दिस इज अ सेट। अब यहां देखो, अभी आपको इस तरह मिलेगा, आप लिखेंगे सर सी E, D, 2. Is it a set? Yes, sir, it is the set. Reason कोई बोलेगा, सर आपने इसको सेट की रिप्रेजेंटेशन में लिखा ना, सेट की डिनोटेशन में लिखा ना, कर्ली ब्रेसेस में लिखा ना। अगर कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे तो फिर ये सेट होता ही होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यही है, दैट इज सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Sets are always and always represented by curly braces. Curly braces, curly braces से हम set को represent करते हैं। हो गया? हाँ, इतना हमारा हो गया। अब चलो आगे। Representation आ गई ना, अब लिखेंगे naming of a set. Naming. देखो आप, सेट इज ऑलवेज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से नाम देते हैं। मतलब सेट को अगर नाम देना होगा ना, सपोज आपने कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन देखी, अब उसको नाम देना है, हम उसको नाम कैसे देते हैं? बाय कैपिटल लेटर। सपोज करेंगे एग्जांपल, यहां पे देखिए एग्जांपल, एग्जांपल आप ध्यान से देखेंगे, इसमें एलिमेंट्स है वन टू नाइन सेवन। ये जो है ना ये सेट है, आपको पता है कर्ली ब्रेसेस में है, मीन्स इट इज अ सेट। अब इसको नाम देना है, हम यहां लिखेंगे इज इक्वल ए, लेकिन कौन सा ए? कैपिटल ए। अगर आपने समाल ए दे दिया देन दिस इज नॉट अ सेट, तब ये सेट नहीं होगा, तब ये सेट का नाम नहीं होगा। सेट होगा लेकिन सेट का नाम समाल लेटर से नहीं आता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल लेटर से आता है। दैट्स हाँ कैपिटल ए है ना, मीन्स इस सेट का नाम है ए, ए कैपिटल ए। अब आपको नहीं बोलना है कैपिटल ए, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, दैट इज सेट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से, मीन्स इस सेट का नाम है ए। अब इसके बाद नीचे आएंगे, कोई लिखेगा बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स है फोर सेवन माइनस वन टू, इस सेट का नाम मैंने दे दिया बी। अब यहां पे कोई लिखेगा सी इज इक्वल ए बी सी डी, हाँ इस सेट का नाम है सी। मीन्स नेमिंग, पहले देखो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, हाँ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, हर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से हम सेपरेट करते हैं बाय कॉमा, लेकिन ना पहले कॉमा रखना है ना लास्ट में कॉमा रखना है। लास्ट में है नेमिंग ऑफ ए सेट, सेट को हम नाम कैसे देते हैं? बाय कैपिटल लेटर। ये
इतना हो गया। हाँ, सेट थ्योरी में बेसिक्स हो गया, बेसिक्स थोड़ा थोड़ा बेसिक्स हो गया। अब थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं चलेंगे, पहला लेक्चर है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो अब, चलो देखो, रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी, नेमिंग हमने कर दी, अब देखो कुछ फंडामेंटल्स है इंपॉर्टेंट लिख के रखेंगे। दैट्स रिमार्क इंपॉर्टेंट है, रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड लाउडेड इन सेट थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हो गया, मतलब सुनेंगे, ये कोई सेट है, इस सेट में मैंने एलिमेंट्स कुछ इस तरह ले लिए, 1, 2, 3, 2, 5, 7, 2, 9, ठीक। अब देखो इस सेट में प्रॉब्लम क्या है, देखो इस सेट में क्या है, आपने देखा ना सेट 1 ठीक है, 2 ये भी ठीक है, 3 ठीक है, लेकिन 2 फिर से आ गया, 5 ठीक है, 7 ठीक है, 9 ठीक है, 2 फिर से आ गया। मींस एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा है ना। सेट थ्योरी यही कहती है, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउडेड, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। जो एलिमेंट अगर 10 बार भी होगा ना उसको एक ही बार लिखना है, अगर 100 टाइम्स भी होगा ना उसको एक ही बार लिखना है। मतलब इसी सेट को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो इसी सेट को, ये सेट है, ये सेट है, इट इज द सेट, सेट है, लेकिन लेकिन रेपिटेशन एलो हमें नहीं कर। अगर अभी भी कोई आपको बोलेगा इज इट सेट, रेपिटेशन होके भी ये सेट है, हाँ इट इज द सेट, लेकिन इसका असल मतलब ये है इस सेट का, दैट इस सेट में एलिमेंट्स है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 9, दिस इज द एक्चुअल सेट। यहां पे रेपिटेशन थी, यहां पे रेपिटेशन नहीं है, और जिसमें रेपिटेशन नहीं होती है वही हमें लेना होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब कोई सेट कैपिटल एक्स, इट इज ए बी ई आर बी जी आई एच, इज इट सेट, यस कर्ली ब्रेसेस में है, ये है सेट, लेकिन इस सेट में प्रॉब्लम क्या है, सर बी रिपीट हो रहा है, अगर बी रिपीट हो रहा है ना, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट थ्योरी, सो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ए बी ई आर जी आई एच, दिस इज द सेट। अब देखो यहां पे सेट ही था लेकिन रेपिटेशन थी, यहां पे सेट ही है लेकिन रेपिटेशन नहीं है, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ दिस सेट, इस सेट की बेस्ट फॉर्म ये, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, सेट थ्योरी में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। दूसरे पे आएंगे, दूसरे पे आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लास्ट में सीखते जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कल, एक और है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन
सेट थ्योरी, व्हाट इज दिस, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन सेट थ्योरी, ये क्या होता है, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है, व्हाट मींस ऑर्डर डज नॉट मैटर। लास्ट में हम कंक्लूड करने से पहले एक क्विक रिवीजन सब बोलेंगे, ठीक, लेकिन फिलहाल इसको देखेंगे आप, एग्जाम्पल से आपको सारा कुछ समझ आएगा। एग्जाम्पल ये है, देखो, दैट्स 1, 3, 7, 4, 11, 9। अब देखो, व्हाट मींस ऑर्डर डज नॉट मैटर्स, ऑर्डर एग्जैक्टली डज नॉट मैटर्स। यहां देखो, ऑर्डर डज नॉट मैटर का मतलब एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको, पहले क्या था 1, 2 नहीं है, फिर क्या था 3, फिर ये बात क्या आना चाहिए 4, लेकिन मैंने क्या लिखा 7, 4 मुझे लिखना था लेकिन मैंने लिखा 7, फिर मुझे क्या लिखना था 7 मगर मैंने क्या लिखा 11, फिर मुझे क्या लिखना था 9 मगर मैंने 9 से पहले, देखो अगर मैं लिखता ना, मुझे कुछ इस तरह लिखना था 1, 3, 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, 4, 7, 9, 11, लेकिन मैंने किस शेप में लिखा, इस शेप में लिखा, इस शेप को देखो, क्या इसमें ऑर्डर है, नो, इसमें ऑर्डर नहीं है, बिकॉज पहले 1 फिर 3 फिर 4 आना चाहिए लेकिन मैंने लिखा 7, यहां देखो पहले 9 आना चाहिए लेकिन मैंने लिखा 11, यही प्रॉब्लम है। और यहां देखो, यहां पे ऑर्डर है, अब आपको ही बोलेगा आपको, क्या आप इसको लेंगे या इसको लेंगे, हम भैया इसको ही लेंगे, बिकॉज क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पहले आप छोटे को रखो या बड़े को रखो, हार्डली मैटर्स, इसमें कोई परेशानी नहीं है, जो आपको पसंद आए ना लिखो पहले, या मेरी तरह जो आपको पसंद आए ना लास्ट में लिखो, ठीक, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन रेपिटेशन नहीं करनी है, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है, बाकी कुछ नहीं है, जो एलिमेंट आपको जहां पे मर्जी लिख सकते हो। कोई बोलेगा सर क्या मैं इस फॉर्म को इसमें लिख सकता हूँ, व्हाई नॉट, क्या इज ना, आप लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। कोई बोलेगा सर मैं इस तरह लिखूंगा, पहले लिखूंगा 7, फिर लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 11, फिर लिखूंगा 9, फिर लिखूंगा 3, लास्ट में लिखूंगा 4, ये भी है, बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये कि पहला एलिमेंट 1 है, आपको पहले 1 ही लिखना है, नो, लिखो लास्ट में, बीच में लिखो, जहां पे आपकी मर्जी, बट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट थ्योरी डज नॉट मैटर। अब अगर कहीं इस तरह होगा, इज इक्वल 1, 2, 7, 1, 3, 9, 11, 1, 5, हाँ ये बोलो इसमें क्या है, 1, 1, 1 रिपीट हो रहा है ना, अब क्या करेंगे, या इस 1 को स्किप करो, या इसको करो, या इसको करो, मीन्स 1 को एक ही बार लाओ, जहां पे आप स्किप करना चाहते हो ना करो स्किप, जहां पे आप रखना चाहते हो रखो। कोई बोलेगा सर मैं इसको स्किप करूंगा, कर दिया मैंने। कोई बोलेगा सर मैं इसको भी स्किप करूंगा, मैंने 1 यहां पे रखा, हो गया काम, मीन्स ये बनेगा आपको, दैट इज रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक एलिमेंट अगर 10 बार भी होगा, एक ही बार लिखना है, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन सेट थ्योरी, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यही था, दैट इज ऑर्डर डज नॉट मैटर्स, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउ नहीं है, रिपीट आप एलिमेंट्स को नहीं कर सकते, और ऑर्डर आपको जो मर्जी पहले लिखना आप लिखेंगे पहले। हाँ देखो, पहले आता है यहां से देखो जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद बाकी आते हैं ना, आप लास्ट में लिखो जम्मू एंड कश्मीर, कोई इशू नहीं है, सेट थ्योरी में चलता रहता है। हाँ देखो कंक्लूजन, इसको लास्ट में कंक्लूजन, लास्ट में सबसे पहले मैंने डिफाइन क्या किया था, सेट दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, मैंने उसको डिफाइन कर दिया। फिर मैंने क्या किया था, रिप्रेजेंटेशन, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई कर्ली ब्रेसेस, इन कर्ली ब्रेसेस में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, बाई कॉमा, पहले कॉमा नहीं लिखना है,
लास्ट में कॉमा नहीं लिखना है, एक हाँ। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, नेम, मैंने सेट को नाम दे दिया और नाम कौन सा देना है, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। और फिर मैंने क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दो बोले, क्या रेपिटेशन इज नॉट अलाउ, लास्ट में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट थ्योरी डज नॉट मैटर, रेपिटेशन अलाउ नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मुझे लग रहा आपको समझ आ गया, दैट्स अगर आपके पास सेट बनाना होगा इन एलिमेंट्स का 1, 2, 3, 4, आप इस तरह बनाएंगे, पहले 2 फिर 3 फिर 1 और फिर 4, या कोई बोलेगा ना मैं इस तरह लिखूंगा, पहले 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1, आपकी मर्जी, ऑर्डर डज नॉट मैटर्स, इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, ऑर्डर डज नॉट मैटर्स। ये था आपका पहला लेक्चर, इंशाल्लाह कल से आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर मिलेंगे। कहीं पे किसी को डाउट होगा मुझे पूछेगा, कमेंट में लिखिएगा और इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो प्लीज़ एंड प्लीज़। मैं नया हूँ यूट्यूब पे, इसलिए नया नहीं हूँ, पिछले साल भी पढ़ाया था, 12th को मैंने इस पर, 10th को पढ़ाया था, लेकिन उतना टाइम पिछले साल नहीं था, आज सोचा कि हेल्प करेंगे अपने लोगों की, इसलिए यहाँ पर आ गया। अब आप तक है, इसको कमेंट करो प्लीज़ एंड प्लीज़, शेयर करो एंड लाइक करो, बाकी जो भी होगा मेरे एंड से सारा क्लियर होगा, आपको पूरा 100% दूंगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे लीव करके कोई और देख सकते हो, लेकिन मैं अपने एंड से 100% कोशिश करूँगा। बाकी जो जो चैप्टर्स पढ़ने होंगे आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू सो मच।